दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं माइक्रोमैक्स से जुड़ी एक कंट्रोवर्सी के बारे में। जी हाँ, कंट्रोवर्सी के बारे में। माइक्रोमैक्स ने कल ही इंडिया में कमबैक किया है और कितना सॉलिड कमबैक किया है भाई, ये चीज तो हमने देख ही ली। दो फोन्स लॉन्च करे गए, दोनों के स्पेसिफिकेशंस काफी अच्छे रखे गए हैं और दोनों के प्राइस पॉइंट स्पेसिफिकेशन से भी ज्यादा बेटर रखे गए हैं भाई। किसी ने भी नहीं सोचा था कि माइक्रोमैक्स इतना सॉलिड प्राइस रखेगा भाई। लग रहा था कि हाँ कंपटीशन इस बार देगा माइक्रोमैक्स, लेकिन ये नहीं सोचा था कि इतने सॉलिड प्राइस पॉइंट पर दोनों फोन्स को लॉन्च करेगा। माइक्रोमैक्स ने प्राइसिंग में काफी अच्छा काम किया और स्पेसिफिकेशन में भी इस बार काफी अच्छा काम किया गया है। और मैं बहुत सारे अपने जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं उनके वीडियोस को फॉलो कर रहा था, मोस्टली सभी ने यही बोला है कि माइक्रोमैक्स हम तुम्हारे साथ में है, माइक्रोमैक्स को सपोर्ट किया सबने और भाई माइक्रोमैक्स को अप्रिशिएट भी किया है कि काफी अच्छा काम किया गया है। लेकिन उसी बीच एक वीडियो पर मेरी नजर पड़ी जहां पर वो व्यक्ति बैठ करके ये बोल रहा है कि माइक्रोमैक्स ने जो फोन्स लॉन्च करे हैं वो चाइनीज फोन्स के रीब्रांडेड फोन्स हैं। जी हाँ, कुछ तो गड़बड़ है ये कहना उनका पड़ रहा था। और ऐसा छोटा मोटा आदमी नहीं है भाई, करीबन 5-7 मिलियन का सब्सक्राइबर बेस है उसका और ऐसे में वो आपको इन्फ्लुएंस कर सकता है भाई, क्योंकि काफी टाइम से आप उसको फॉलो कर रहे होंगे। और यहां पर जो उसने बात करी है वो वाकई में बिना सर पैर की बातें हैं, सारी बातें गलत हैं। यहां पर पे आपको जो है वो मिसलीड कर रहा है माइक्रोमैक्स को लेकर के, गलत इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है। और आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं उसी वीडियो से रिलेटेड, अपने ओपिनियन में आपको देने वाला हूं कि भाई मैं क्या सोचता हूं, वो बंदे ने क्या बोला है और मेरे हिसाब से वो बंदे ने जो भी बोला है सारी चीजें गलत है। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लाइक टारगेट मैं आज सेट नहीं कर रहा हूं, अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करना और शेयर जितना ज्यादा कर सको उतना ज्यादा कर देना, क्योंकि भाई उनका जो सब्सक्राइबर बेस है वो काफी बड़ा है और उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए ताकि पता पड़े कि एक इन्फ्लुएंसर जो है वो कैसे आपको सही तरीके से भी इन्फ्लुएंस कर सकता है और कैसे आपको गलत तरीके से भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है यश और प्रोटेक विलेज चैनल में आपका स्वागत है। स्टार्ट करते हैं भाई बातचीत को और सबसे पहले उन महानुभाव के पहले पॉइंट ऑफ व्यू पर नजर डालते हैं। पहला जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, उनका कहना ये पड़ रहा है कि जो इन नोट वन है जिसमें आपको G85 वाला चिपसेट मिलता है, जिसमें आपको ग्रीन कलर मिलता है और उस ग्रीन कलर में जो एक्स पैटर्न दिया गया है, उनका कहना पड़ रहा है कि ये जो एक्स पैटर्न है ये ऑनर 9X वाला एक्स पैटर्न दिया गया है। और भाई उनका कहना ये पड़ रहा है कि डिजाइन अगर एक जैसी है दोनों फोन्स के तो फोन्स रीब्रांडेड है। तो भाई साहब एक बार सोचो, आंखें बंद करो और दिमाग लगा करके सोचो, डिजाइन फोन्स के एक जैसे हो सकते हैं। और यहाँ पर डिजाइन पैटर्न पूरा कॉपी नहीं किया गया है, केवल एक्स वाला जो पैटर्न है वो है यहाँ पर। और उसको देख करके उनको ये लग रहा है कि हाँ भाई साहब माइक्रोमैक्स ने इस बार भी रीब्रांड किया है। तो भाई माइंड माई लैंग्वेज, मेरे शब्दों के लिए मेरे को माफ करना, लेकिन जिस बंदे ने ये बात बोली है ना, अगर उसका खुद का डिजाइन देखा जाए तो उसका डिजाइन भी चाइनीज से मैच करता है, तो क्या समझा जाए भाई फिर इस बात को। समझ रहे हो ना बात को, डिजाइन एक जैसा होना ये नहीं बोलता है कि ये चाइनीज ब्रांड को रीब्रांड किया गया है, किसी चाइनीज फोन को रीब्रांड किया गया है। ये तो हो गई डिजाइन की बात। उसके बाद दूसरी चीज, इससे उनका पेट नहीं भरा, फिर वो बोलते हैं कि जो ऑनर 10X लाइट जो अब लॉन्च होने वाला है उसका कैमरा सेटअप और इस फोन का, इन नोट वन का कैमरा सेटअप सिमिलर है। कैमरा सेटअप अगर सिमिलर है भाई, वो जो कैमरा सेटअप दिया गया है ना, इन्फिनिक्स के फोन उठा लो, टेक्नो के फोन उठा लो, रियलमी के फोन उठा लो, सैमसंग के भी आप फोन उठा लो, भाई आजकल ट्रेंड चल रहा है इस कैमरा सेटअप का, जहां पर टॉप लेफ्ट में आपको रेक्टेंगल शेप में कैमरा सेटअप दिया जाता है। तो भाई वो तो ट्रेंड है, माइक्रोमैक्स भी ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। यहां पर ये आपको कैसे लग गया कि ऑनर 10X लाइट जो है उसको रीब्रांड किया गया है? यहां पर तो केवल कैमरा सेटअप आपको वैसा मिल रहा है ना, डिजाइन तो अलग अलग है, फिर यहां पर आपकी दोनों बातें मैच नहीं कर रही है। कुल मिला के आप ये कहना चाह रहे हो, बस अपनी बात को जस्टिफाई करना चाह रहे हो कि हाँ माइक्रोमैक्स ने यहां पर रीब्रांड किया है। उसके बाद में उनने क्या बोला कि जो ऑनर 10X लाइट है उसमें भी 6.67 इंचेस की स्क्रीन है, यहां पर भी आपको 6.67 इंचेस की स्क्रीन दी गई है, तो हो सकता है कि रीब्रांडेड हो। तो 6.67 की जो स्क्रीन है वो तो आपको पोको M2 प्रो में भी मिल रही है, वो आपको पोको X3 में भी मिल रही है, वो आपको रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स में भी मिल रही है। तो भाई ये क्या सारे आपस में रीब्रांडेड है? ऑनर ने इनको रीब्रांड कर दिया है, फिर माइक्रोमैक्स ने ऑनर को रीब्रांड कर लिया है,
भाई साहब बोलने से पहले थोड़ा सा सोचना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई ब्रांड हमको फ़ोन नहीं भेजा है या ब्रांड हमसे बात नहीं कर रहा है तो हम उसके बारे में कुछ भी उल जुलूल बातें कर दें। थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना चाहिए, थोड़ा सा विचार करना चाहिए बोलने से पहले, और उसके बाद में वीडियो बनाना चाहिए ना। 6.67 इंचेस की स्क्रीन देख करके भाई को लग गया कि हाँ भैया इस बार भी रीब्रांड किया गया है, तो ये बात भी मेरी तरफ से तो भाई मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं जमी, गलत बात है। 6. भाई डिस्प्ले साइज रखा जा सकता है, कुछ भी रख सकते हैं। और फिर उनका ये कहना पड़ रहा है कि जो फोन्स हैं, जो राहुल शर्मा जी हैं, उनने ये बोला है कि ये मेड इन इंडिया फोन्स हैं। तो मेड इन इंडिया फोन्स हैं, मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया फोन्स नहीं है। ये चीज कहीं भी नहीं बोली गई है कि ये जो फोन है पूरी तरीके से इंडिया में मैन्युफैक्चर किए गए हैं। मेड इन इंडिया और मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया में फर्क होता है। भाई नहीं पता है तुमको तो जा करके पता कर लो। मेड इन इंडिया में पार्ट्स बाहर से मंगाए जा सकते हैं, उनको इंडिया में असेंबल किया जा सकता है और उसके ऊपर मेड इन इंडिया लिखा जा सकता है। मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया अगर कहा जाता है उसका मतलब ये होता है कि जितने भी पार्ट्स हैं वो इंडिया में बनाए गए हैं, असेंबल इंडिया में करे गए हैं, पूरी तरीके से जो फोन बना हुआ है वो मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया है। तो भाई ये चीज कहीं भी नहीं कही गई है कि माइक्रोमैक्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया है। माइक्रोमैक्स मेड इन इंडिया फोन है, मेड फॉर इंडिया फोन है, और इसके जो कंपनी है, इसकी जो फैक्ट्रीज है वो केवल और केवल इंडिया में है और यहीं पर सारा काम होता है। हाँ, पार्ट्स जरूर बाहर से आते होंगे, उसमें कुछ पार्ट्स ऐसे भी हैं जो चाइना से भी आते होंगे, तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता है भाई कि माइक्रोमैक्स जो है वो चाइनीज ब्रांड हो गया या माइक्रोमैक्स चाइनीज को रीब्रांड करने लग गया। क्योंकि जो एप्पल आईफोन भी बनते हैं ना भाई, वहां पर भी आपको चाइनीज प्रोडक्ट लगते हैं। बिना चाइनीज प्रोडक्ट्स के एप्पल के आईफोन भी नहीं बन पाते हैं, तो ये चीज तो आपको समझनी चाहिए। और पूरी तरीके से मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया फोन्स बनाना बहुत मुश्किल है, आज की तारीख में काफी मुश्किल है। लेकिन जब कंपनीज ऐसे स्टेप्स लेंगी जैसे माइक्रोमैक्स ने लिया है, कमबैक करने की तैयारी करी है, तो धीरे धीरे हम इस तरफ जा सकते हैं कि भाई एक समय ऐसा आए जब हमको मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया फोन्स देखने के लिए मिले। लेकिन अभी जो माइक्रोमैक्स ने स्टेप लिया है, मेरी तरफ से मेरे को काफी कमेंडेबल लगा वो चीज कि हाँ चलो कोई एक ऐसा ब्रांड उठ के आया तो है जो चाइनीज ब्रांड्स को खुल के बोल रहा है कि हाँ भाई हम तुम्हारी लेवल को भी मैच करेंगे, जो तुम्हारे स्पेसिफिकेशन है उनको भी मैच करेंगे और प्राइस पॉइंट भी तुमको बेटर देंगे। तो यहाँ पर माइक्रोमैक्स की तरफ से काम तो काफी अच्छा किया गया है, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको नहीं समझ में आ रही है वो चीज। उसके बाद में और उनका ये कहना पड़ रहा है, एक पुराना जुलाई 2019 का आर्टिकल कहीं से पढ़ लिया भाई ने और यहाँ पर बोल दिया है कि जो हुआवे है उसने माइक्रोमैक्स के साथ में डील करी थी और उसी डील के चलते यहाँ पर आपको रीब्रांडेड फोन्स देखने के लिए मिल रहे हैं। तो जो डील की रिपोर्ट आई थी वो जुलाई 2019 में आई थी, डेढ़ साल उस बात को हो चुका है और भाई ने शायद पूरा आर्टिकल पढ़ा ही नहीं था। उस आर्टिकल को ढंग से पढ़ लेता तो वहां पर क्लियर लिखा था कि हुआवे ने जो टाइप किया है वो ऑफलाइन सेल बढ़ाने के लिए टाइप किया है। माइक्रोमैक्स अपने फोन्स खुद बनाता रहेगा, हुआवे अपने फोन्स खुद बनाता रहेगा, लेकिन माइक्रोमैक्स का जो मार्केट है वहां पर हुआवे के फोन्स भी आपको मिलेंगे, जिससे जो हुआवे है उसकी ऑफलाइन सेल बढ़ेगी। और यहां पर जो एग्जांपल हमारे भाई साहब ने दिए हैं दोनों ऑनर 9X और ऑनर 10X लाइट का, उस आर्टिकल में ढंग से पढ़े, वहां पर क्लियर लिखा हुआ है कि हुआवे और माइक्रोमैक्स की जो डील है उसमें ऑनर इंक्लूड नहीं होता है। तो भाई थोड़ा सा दिमाग लगा लेता भाई, थोड़ा सा, तो यहाँ पर ये वीडियो डालने की जरूरत नहीं पड़ती। और इसके पहले तो भाई ने एक वीडियो डाला था, उसको डिलीट करा, उसमें तो और ज्यादा उलझुल बातें करी होगी, लेकिन इस वाले वीडियो को फिर से उसको तो प्राइवेट करा, फिर नया वीडियो डाला और इसमें ये सारी बातें करी है। तो मेरे हिसाब से भाई साहब जितनी भी बातें उनने करी है वो सारी गलत है। माइक्रोमैक्स की तरफ से जो फोन हमको देखने को मिले हैं काफी अच्छे हैं, और केवल इन नोट 1 की बात करी भाई उसने, 1B की बात नहीं करी, क्योंकि उसके जो कनेक्शन है वो कहीं से मैच नहीं हुए, उसका भरोसा नहीं है। वो ये बोल देता कि इन वन बी जो है वो रियलमी का रिब्रांडेड है क्योंकि डिजाइन मैच करता है, पीछे की तरफ जो इन लिखा गया है वैसा तो रियलमी लिखता है, माइक्रोमैक्स ने ऐसा क्यों लिखा है, रियलमी को रिब्रांड करा है, वो भाई का कोई भरोसा नहीं है। अभी क्या हुआ है भाई, देखो क्या होता है, ब्रांड ने आपसे बात नहीं करी, ब्रांड ने आपको फोन नहीं भेजा, तो भाई आप बौखला जाते हो और उसके बाद में आप इस तरीके की उलझुल बातें करते हो ब्रांड के बारे में। लेकिन जब आपका इतना बड़ा सब्सक्राइबर बेस है, आप इतने बड़े इन्फ्लुएंसर हो, लोग आपकी बात मानते हैं, तो ऐसे समय पर ऐसी गलत बातें फैलाना गलत बात है, ये चीज नहीं करनी चाहिए थी। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। भाई अपना सब्सक्राइबर बेस तो इतना नहीं है, लेकिन अगर आप इस वीडियो को शेयर कर देते हो
तो हो सकता है ज्यादा लोगों तक पहुंचे ये वाला वीडियो और उन चीज को ये बात क्लियर हो जाए उन लोगों को कि भाई उस वीडियो में जो बात करी गई है वो सारी बिना सर पैर की बातें करी गई है, बस अपनी पर्सनल खुंदक निकालने के लिए वो वीडियो बनाया गया है, उसके अलावा उस वीडियो का कोई बेस नहीं है, सारी बातें उसमें गलत बताई गई है, तो उस चीज से आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना है। माइक्रोमैक्स की तरफ से काफी अच्छा स्टेप उठाया गया है, माइक्रोमैक्स से ये भी बातचीत हुई है, भाई हमारे राकेश भाई है ज्ञान थेरेपी वाले, उनने क्लियर बात करी है कि भाई सेल सर्विस का क्या, तो माइक्रोमैक्स ने क्लियर बोला है कि धीरे धीरे जो सर्विस सेंटर है वो बढ़ाते जाएंगे, वो अभी उतने नहीं है। ऑब्वियसली भाई जब नई कंपनीज आती है तो सर्विस सेंटर नहीं होते हैं, शाओमी भी जब आई थी तब नहीं थे, ओप्पो वीवो जब आई थी तब कम सर्विस सेंटर थे, धीरे धीरे ग्रो करते गए। और माइक्रोमैक्स का तो हमको पता है भाई कि इंडिया में मार्केट तो ऑलरेडी है, केवल और केवल वापस से रीस्टार्ट करने की जरूरत है, जिसको माइक्रोमैक्स ने चालू कर दिया है। तो भाई आफ्टर सेल सर्विस में भी आपको यहाँ पर समस्या नहीं आएगी, अपडेट्स वगैरह भी यहाँ पर माइक्रोमैक्स प्रॉमिस कर रहा है कि इस बार आपको अपडेट्स भी प्रॉपर मिलते रहेंगे। और भाई माइक्रोमैक्स काफी सारे फोन्स लॉन्च करने वाला है, हर बजट सेगमेंट में फोन लॉन्च करेगा, तो भाई ये चीज काफी अच्छी है कि कोई इंडियन ब्रांड उठ करके शाओमी रियलमी बाकी सारे चाइनीज ब्रांड को बोल रहा है कि हाँ भाई अब हम इंडिया के मार्केट में आ चुके हैं और अब हम तुम्हारा मार्केट हिला डालेंगे, और पहले दो फोन से माइक्रोमैक्स ने ये कर ही दिया है। तो हमारा फर्ज बनता है कि ऐसे ब्रांड को सपोर्ट करें, ना कि कुछ रुपयों के लिए उस ब्रांड के बारे में गलत सलत बोलें। भाई उसका तो ये भी कहना पड़ रहा है कि माइक्रोमैक्स जो है वो नॉन चाइनीज जो इंडिया चाइना सेंटिमेंट है उसका फायदा उठा रहा है, तो भाई इसमें गलत क्या है? सैमसंग ये चीज कर रहा है, एलजी ये चीज कर रहा है, जितनी भी नॉन चाइनीज ब्रांड्स हैं सभी लोग इंडिया चाइना सेंटीमेंट्स का फायदा उठाने की सोच रहे हैं और ये लोग बिजनेस करते हैं भाई, इस चीज का फायदा ये उठाएंगे, तो माइक्रोमैक्स ने अगर कर लिया तो उसमें क्या गलत कर दिया भाई? और वैसे भी जो माइक्रोमैक्स के फाउंडर है उनने तो साफ साफ बोल दिया ना आपको कि फोन को इंडिया चाइना सेंटीमेंट्स में जा करके मत परचेस करना, जैसे दूसरे ब्रांड्स को ठोक बजा करके आप परचेस करते हो वैसे ही परचेस करना। तो अब इसके बाद में और आपका क्या कहना पड़ रहा है कि यहां पर इंडिया चाइना सेंटीमेंट का फायदा उठाया जा रहा है, और इंडिया चाइना सेंटीमेंट की वजह से ही हम लोगों ने यह बोला है कि माइक्रोमैक्स को वापस इंडिया में आना चाहिए, लावा को वापस इंडिया में आना चाहिए। और जब ये ब्रांड्स इंडिया में आ रहे हैं तो तुम जैसे कुछ यूट्यूबर्स कुछ पैसों की वजह से गलत गलत बात करके अपने अच्छे खासे बड़े सब्सक्राइबर बेस को गलत तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहे हो, तो यह चीज बंद होनी चाहिए भाई, यह मेरा कहना है। आप सारी ऑडियंस से मेरा बस इतना ही कहना है कि सही चीज की तरफ जाना, माइक्रोमैक्स एक अच्छा ब्रांड है, इंडियन ब्रांड है, कोशिश कर रहा है चाइनीज ब्रांड्स को टक्कर देने की, तो माइक्रोमैक्स के साथ में हम सभी को खड़े रहना है, इंडियन ब्रांड है, देश के लिए हमको खड़े रहना है, और ऐसे लोगों के इन्फ्लुएंस करने से बचना है जो आपको गलत तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं। बस मेरा इतना ही कहना है इस वीडियो के अंदर, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन दबा देना और ऑल वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन पहुंचे आपको तुरंत से। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।